जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। आई एम JJEEE गौरव। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे आगरा फोर्ट, तो कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पर। फिर से आ चुके हैं हम लोग आगरा फोर्ट। यहाँ पर देखिए सब कोई उतर रहे हैं, फिर अब थोड़ा पी रहे हैं जो भी है। फिर अब आगरा फोर्ट घूमेंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं अंदर में क्या क्या है, कैसा है आगरा फोर्ट के, मतलब आगरा किला के बारे में। तो कंटिन्यू रहे ब्लॉग पर। तो फाइनल गाइस, हम पहुंच चुके हैं आगरा फोर्ट, जो कि आप देख सकते हैं। इस जगह में अगले साल 18 तारीख, मतलब 18 मार्च 2023 में डांस भी किए थे हम इस जगह में। सीधे में जो गेट है वो बंद है, आपको हम वीडियो क्लिप दिखाएंगे इस जगह में। और उस टाइम ये क्या बोलते हैं, आपका ताजमहल घूम पाए थे ना, आगरा फोर्ट घूम पाए थे। ताज फिर से आ गए हैं आगरा फोर्ट, और आगरा फोर्ट घूम लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा है कैसा नहीं। तो कंटिन्यू रहिए। ऑनलाइन टिकट के लिए हम लोग अभी खड़े हैं। हम लोग सोचे ऑफलाइन टिकट हो जाएगा, लेकिन ऑफलाइन टिकट हुआ नहीं। सभी हम लोग खड़े हैं ऑनलाइन टिकट के लिए। मैं तो बहन, मामा, चाचा लोग, मामी सब ऑनलाइन का टिकट का व्यवस्था कर रहा है। और इधर इतना घुस गए हैं, अगले बार तो देखे थे टिकट बना रहे थे, और वहाँ पर जो देख रहे हैं कि छोटा सा दिल्ली है, छोटा सा भी है, वहाँ पर करके दिखाते हैं आपको। यहाँ से देखिए, देख पाइएगा पेड़ के पास, उस जगह से KRPF जवान बोल रहे थे कि यहाँ पर आगे में एक KRPF कैंप भी है, और आगे में एक बालूचक पुलिस स्टेशन भी है। वहीं पर हम 3 दिन थे, 17, 18, 19 मार्च 2020। उस टाइम ताजमहल और अरे आगरा फोर्ट पूरा बंद हो गया था। तो वो जो छत्तीसगढ़ का बना हुआ गेट वहाँ तक लगा हुआ था, वहीं पर हम टिकटॉक का वीडियो बनाए और फिर रिटर्न चल गए। रिटर्न यहाँ घूम रहे थे, फिर चले गए आज यहाँ तक घुसे। अगले बार घुसे थे, मतलब वहाँ तक, लेकिन यहाँ तक हम बोले थे घुसने दीजिए, लेकिन घुसने का अलाउड नहीं था। जो अंदर काम करते हैं उसी का अलाउड था। आज अंदर घुसते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं, कंटिन्यू रहिए। फाइनली ऑनलाइन टिकट हो चुका है, और अब हम लोग अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं सभी मिलकर। और ये जो लाइन देख रहे हैं ना आगरा फोर्ट का, यहाँ से ले कर जो ख़त्म होता है, ये 250 किलोमीटर है, मतलब 2.5 किलोमीटर पूरा लंबाई है इस दीवार का, आप देख सकते हैं। हम लोग अंदर आ चुके हैं, और यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर इतना पत्थर देख रहे हैं, टोटल लाल पत्थर से बनाया गया, इसीलिए इसका नाम दिया है रेड फोर्ट, सॉरी रेड फोर्ट बोल रहे हैं, आगरा फोर्ट। और इसको क्या बोलते हैं, आगरा किला भी इसको हिंदी में कहते हैं, जो कि देख सकते हैं टोटल चीज, जितना सामान मतलब पत्थर लगा हुआ है, सब लाल पत्थर से बनाया गया है। सिंबल है यहाँ, और यहाँ से अब हम
घुसते हैं अंदर की ओर, फिर आगे दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक ग्रास जैसा बनाया गया है, ये पेड़ लगाया हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। और दीवार को वीडियो में लेने के लिए बहुत ही दूर जाना होगा, क्योंकि इतना लंबा लंबा दीवार है, पहले का ज़माने का बनाया गया है कि यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाल कल पत्थर से सब जगह बनाया गया है और नीचे ग्राउंड किया हुआ है, ग्राउंड टाइप का बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग जाएंगे इसके अंदर, देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा दिखा लेता आपको वीडियो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नज़ारा देख कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ग्रास और यहाँ पर फुटपाथ की तरह चलना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और चलिए इसके भी अंदर जाते हैं, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम लोग यहाँ का नज़ारा देखने के बाद अंदर चलते हैं अंदर की ओर, और आपको हम दिखाते हैं इसके अंदर। बोल रहा है 16 को राजबाड़ी है, 16 को राजबाड़ी में कितना राजबाड़ी देखते हैं वो हम देख पाते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। तो कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पर। ये यहाँ पर जहांगीर नहाते थे और उसी का पूरा टब जैसा है, सीमेंट का बनाया हुआ, जो कि सब कोई देख रहा है। और अब जा रहे हैं हम लोग अंदर, लग रहा है बाहर से अंधेरा टाइप का है, तो देखते हैं क्या आपको दिखा पाते हैं, क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं। इसके अंदर जो देख रहे हैं 16 को राजबाड़ी है, उनका जेल था, फिर आपका आशीष महल था, बहुत कुछ है इसमें। और साथ में यहाँ का नज़ारा लग रहा है बाहुबली का जैसा, पूरा बिल्डिंग बनाया गया है, आप देख सकते हैं, लग रहा बाहुबली का बिल्डिंग, हमको लग रहा है यहीं से चुराया गया है, मतलब सॉरी चुराया गया बोल रहे हैं, नहीं से कॉपी किया गया ऐसा लग रहा है हमको। यहाँ ठंडा का कारण, यहाँ बहुत ही ठंडा है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सभी अभी घूमते हुए हैं अंदर में। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ का दीवार कितना मोटा रहता था पहले, ये है दीवार उनका, दीवार का ब्रेथ। और बिल्डिंग तो देख ही रहे हैं,
पूरा लाल पत्थर में बनाया गया है बिल्डिंग को। ये खिड़की है ना। फिर अब जाते हैं अंदर इसके और क्या है देखते हैं। दीवार है और अंदर चलते हैं देखते हैं। कितना मोटा दीवार है। कौन से चैनल पे आएगा ये आएगा मूवी स्टडी स्पोर्ट्स में। कौन से पे? मूवी स्टडी स्पोर्ट्स मूवी और मैं भी दिखा दो हम भी देख लेंगे। एकदम ऑन कीजिए यूट्यूब है अभी तो कुछ नहीं है बैटरी डेड। तो मूवी लिखिएगा स्टडी एक साथ लिखिएगा मूवी स्टडी और एक स्पेस देने के बाद स्पोर्ट्स लिखिएगा। तो भाई लोग बोल रहे थे कौन सा चैनल में आएगा तो ही बताते हैं। तो यहाँ से भी ताजमहल बोल रहा दिखाया जाएगा तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। और आपको भी बैक कैमरा से भी हम दिखाते हैं देखिए क्या मतलब क्या बोले यार गजब। आगे का जवाना का जो रहते थे राज ठाकुर जिसको कहते हैं इसी को कहते हैं राज ठाकुर। यहाँ से दिखाई मिल रहा ताजमहल को अंकल जी अभी फोटो खींच रहे हैं से। और यहाँ पर देखिए आंटी अंकल पूरा फोटो खींचने के बाद ऐसा लग रहा है महल महल बहुत अच्छा ऐसा महल में रहने से कैसे गर्मी बहुत ज्यादा और भीतर तो ठंडा लग रहा है ना भाई पत्थर का घर है ठंडा तो और ऊपर से मोटा मोटा दीवार भी है। लग रहा 5 फीट 6 फीट 7 फीट का दीवार है। सो यहाँ का हम वीडियो दिखाएं बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। और साथ में यहाँ जो हम आपको दिखाएं उस खिड़की से ताजमहल का नज़ारा वहाँ देख सकते हैं ताजमहल है। और सामने जमुना है रोड है वहाँ पर एक बस उस सब कुछ पार हो रहा है। तो सीनहरी बहुत ही लाजवाब सीनहरी लग रहा है। हम आ चुके हैं खिड़की के इस पार इसको लांगते हुए और यहाँ देखिए खाई है पूरा और ये ताजमहल। तो हम आपको बैक कैमरा से भी दिखाते हैं सीनहरी। इस खिड़की के हम उस पार जाकर लांग के आपको हम वीडियो दिखाएं पूरा नज़ारा यमुना नदी फिर रेलवे पुल रोड ताजमहल कितना अच्छा सीनरी लग रहा पेड़ पौधा में तो भरा हुआ था बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब यहाँ से हम अंदर जाते हैं फिर उस पार भी दिखाते हैं आपको क्या है तरह का बनाया गया है ना। तो अब बाहर निकलते हैं फिर दिखाते हैं आपको माहौल। वाह व्हाट अ परफॉर्मेंस लग रहा है पूरा दिल्ली लग रहा है कहीं आए हुए हैं। ओ सॉलिड लग रहा है बिल्डिंग क्या बोले नज़ारा बहुत ही अच्छा है। आपको बैक कैमरा से भी एक बार दिखाते हैं फिर इस खिड़की से सॉरी इस दरवाजे से या इस दरवाजे से आगे निकलेंगे फिर वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा है। तो बैक कैमरा से एक बार नज़ारा दिखा देते हैं आपको। यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत है आप देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सॉलिड लग रहा है नज़ारा। और मम्मी वहाँ बैठी है यहाँ पर एक फ़ोटो खींच लेते हैं मम्मी का मौसी का और बहन का। मम्मी मैं ना एक फ़ोटो खींचा लेते हैं सबके साथ फिर आगे बढ़ते हैं। और अब निकलते हैं हम लोग
इसके दरवाजे से उस पार, फिर हम दिखाते हैं आपको क्या है। वाओ, इसमें भी वही सिस्टम है जो पहले वाला, उस दरवाजे से देख रहे ना आए हम वहाँ से, वो जो क्रॉस हुआ एक लड़का उस दरवाजे से, वही सिस्टम यहाँ पर भी वही पूरा रूल रेगुलेशन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा है कि यहाँ कुछ होता था पहले, यहाँ से स्लाइड करता था, यहाँ से गड्ढा टाइप का है, फिर यहाँ पर देखिए पानी निकलने का रास्ता भी है, छेद भी है पानी निकलने का, कुछ होता था हमको इतना आइडिया नहीं है। तो यहाँ का लोकेशन देख सकते हैं आप किस तरह का है, ये लोकेशन भी बहुत ही अच्छा है। फिर निकलते उधर, फिर बोले जाकर राइट में जाएंगे, राइट का नज़ारा हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए जेल है, जो कि पीड़ित पता नहीं, दिखाते हैं आपको क्या है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, आप देख सकते हो सॉलिड लग रहा है एरिया भाई, है ना, क्या बोले, आके तो दिल गदगद हो गया मेरा भाई, तो और क्या बोले इसका, है ना, सॉलिड जगह है ये जगह। वाओ, क्या नज़ारा है इधर का भी, आप देख सकते हैं नज़ारा माने बहुत ही हाई लेवल है कसम से। इधर देख सकते हैं, वाओ सॉलिड नज़ारा, जो कि ताजमहल भी यहाँ से टोटली क्लोज दिखा रहा है एकदम। यमुना नदी यहाँ पर, रेलवे लाइन इसका शेड्यूल से दूर बनाए रखे, लिखा भी है यहाँ पर। यहाँ पर इतना दरवाज़ा देख रहे हैं ना, और यहाँ पर देखिए बैठने के लिए लग रहा है राजाओं को जो बैठने का होता था वो है लग रहा है, ये बैक से देखते यहाँ पर एक है, वहाँ पर भी एक है, जो मैंने बैक कैमरा से हम दिखाएँ वहाँ जो लड़की और लड़का एक सफ़ेद मतलब गमछा पहन के है उस जगह में, तो इसमें राजा बैठते थे लग रहा है हमको। और यहाँ से लग रहा है देखिए वहाँ पर भी एक गेट है बड़ा सा, और यहाँ पर है नहीं, लगभग ये सब में ना लगभग जो लड़ाई होता था ना पहले का वही होता होगा यहाँ पर, यहाँ पर वही होगा, उससे बड़ा और क्या होने वाला है, उससे तो हम उम्मीद नहीं लगा पा रहे। यहाँ पर जो देख रहे हैं एक बैठने का, और यहाँ पर जो देख रहे हैं बैठने का, ये दो जगह में राजाओं बैठते थे दोनों में, और यहाँ पर टोटल मीटिंग होता था, यहाँ पर टोटल चीज़ का डिस्ट्रिक्ट का आता था, टोटल डिस्ट्रिक्ट का नेता होता जो भी है राजा आता था, और यहाँ पर मीटिंग होता था। देखिए एक जगह दिखा रहे हैं बैक कैमरा से, खजूर का पेड़ में तोता, यहाँ पर हम चढ़ के वीडियो कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर एक जेल है जो कि आपको हम कैमरा से दिखा नहीं पाएंगे, एक दो फिर अंडरग्राउंड जेल है ये अंडरग्राउंड जेल जो बोलता है ना काला पानी का सजा, वो इसमें रखता था लग रहा है हमको, पूरा अंदर 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 है ये है पूरा जेल पूरा, मैंने कितना मतलब सेफ्टी और कितना मोटा दीवार के साथ बनाया गया था आगे के जमाने का, यही देख रहे हैं। और अभी निकलेंगे वहाँ, देखिए कुछ बैठे हुए हैं आदमी, वहाँ से निकलेंगे तो कंटिन्यू रहिए। वहाँ से चढ़ के हम वीडियो ही बना रहे थे, और ये पूरा एरिया देख ही रहे हैं कैसा है, और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, बस इतना ही है। यहाँ पर कुछ फोटो सेशन भी कर लेते हैं, और यहाँ देखिए एक नज़र, ये तो लग रहा कि
माहौलों का माहौल है यहाँ पर। और गार्डन जो है पूरा हरा भरा है, पूरा देख रहे हैं कैसा है यहाँ पर से देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है पूरा बिल्डिंग। और यहाँ तो हरियाली हरियाली है पूरा, तो आपको हम बैक कैमरा से भी हम दिखाते हैं पूरा नज़ारा यहाँ का, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। सो फाइनली गाइज आगरा फोर्ट घूम लिए और यहाँ देखिए मम्मी और मौसी भी धीरे धीरे आ रही है, पूरा एरिया घूम लिए आगरा फोर्ट का। और भी होगा तो पता नहीं, बोल रहा 2.5 किलोमीटर ये दीवार है यहाँ से लेके एकदम लास्ट तक, तो उतना तो गए नहीं हमको लग रहा नहीं, पता नहीं उसके बाद कि पूरा घूमे कि नहीं अंदर में पता नहीं चला, तो हो सकता पूरा राउंड बोल के हो सकता है 2.5 किलोमीटर बोला था। और बात यह है कि यहाँ पर टोटल देख सकते हैं इन लोग भी आ गए हैं, चाचा चाची मामा मामी सभी। और यहाँ पर शिवाजी का घोड़ा देख सकते हैं यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और इसी में एक वीडियो देंगे आप, मैंने ये वीडियो ख़त्म करने के बाद टिकटॉक का, वो इस जगह में वीडियो डाल किए थे, इस जगह में टिकटॉक का वीडियो थे, उस टाइम ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, एक प्राणी नहीं था, मतलब एक आदमी नहीं था, पूरा खाली। अभी कैसा लग रहा भीड़, पूरा भीड़ में भरा हुआ है ना, उस टाइम तो ये एरिया पूरा खाली था, पूरा खाली। और यहाँ से बार बार शॉर्ट्स को लेना पड़ रहा था कि डांस हो नहीं रहा, तो फिर रिचेक कर रहे थे यहाँ से, सीआरपीएफ फोर्स आए और बोले कि क्या कर रहे हो, फिर हम लास्ट टाइम में एक बार में शॉर्ट लिए, अच्छा हुआ चल गए, वो टिकटॉक का वीडियो भी हम देंगे। और वहाँ तो देख रहे थे भाजी, आगे जाइएगा तो सीआरपीएफ कैंप है और इसके आगे है बालू चौक पुलिस स्टेशन, तो वहीं पर हम एक होटल में 3 दिन के लिए ठहरे थे। तो ये रहा आगरा फोर्ट का कहानी। और बात है ये कि अब निकलते हैं घर की ओर, तो देखिए इसका दीवार जो है आपको हम दिखाते हैं, दीवार देखिए यहाँ तक है, देखिए खत्म नहीं हो रहा, और भी जा रहा है दीवार, ऐसा बात नहीं है कि दीवार में नहीं जा रहा है आगरा फोर्ट का। बात यह है कि यहाँ ख़त्म हो गया पूरा, पूरा घूम चुके, आप लोगों को भी दिखा चुके क्या है क्या नहीं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा।
और जो जो न्यू है इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बाय बाय। वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। Oh, 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 oh